नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी गंगा, मैं हूं स्नेहलता। सावन में शिव की भक्ति के कई रंग देखने को मिलते हैं। कांवड़िए बम बम भोले, हर हर महादेव के जयकारे लगाते हुए हर तरफ नजर आ रहे हैं। चारों ओर कांवड़ यात्रा की धूम है, क्योंकि सावन महीना शिव के भक्तों के लिए काफी अहम माना जाता है। इस महीने में शिव भक्त कांवड़ यात्रा पर निकलते हैं। शिव भक्त इसी दौरान लाखों की संख्या में हरिद्वार, गंगोत्री, बाबा धाम सहित अनेक धामों की यात्रा करते हैं। इन जगहों से जल लेकर अपने घर के पास बने शिवालयों तक पहुंचते हैं। और सावन के महीने में शिव भक्तों की कांवड़ यात्रा मनमोहक ही होती है। इसके कई खास मायने भी होते हैं। अपने खास पेशकश में हम आपको दिखाएंगे इसी कांवड़ यात्रा के कुछ खास रंग। तो सावन में शिव का जलाभिषेक धार्मिक और पौराणिक लिहाज से काफी फलदायी माना जाता है, और यही वजह है कि कांवड़िए कंधे पर रंग बिरंगी कांवड़ लिए शिव मंदिरों पर उमड़ रहे हैं। देवनगरी हरिद्वार की बात करें तो यहाँ शिव भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है। ये शिव की भक्ति है, यहाँ शिव के नाम की मस्ती है। शिव भक्त कांवड़ियों के अनूठे हैं रंग, बारिश भी नहीं रोक सकती है इनके कदम, थकान और परेशानी नहीं आती आड़े। कांवड़ यात्रा के ये रंग हर साल इसी तरह देखने को मिलते हैं। देखिए, कांवड़ ले जाते ये कांवड़िए, भगवा वस्त्र में कांवड़िए, कंधे पर रंग बिरंगी कांवड़, कोई छोटी तो कोई बड़ी कांवड़, जिसकी जैसी क्षमता उसकी वैसी कांवड़। शिव भक्तों के कंधों पर रंग बिरंगी कांवड़ इन्हें लगातार चलते रहने की शक्ति देती है। ये तस्वीरें देवनगरी हरिद्वार की हैं, जहां देश के अलग अलग हिस्सों से कांवड़िए गंगा जल भरकर अपने अपने शहर में मौजूद शिवालयों में भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए जा रहे हैं। कांवड़ में जल भरकर शिवालयों में पहुंचने तक ये नजारा लोगों को मंत्रमुग्ध कर देता है। जोश और जज्बे का नजारा पूरी कांवड़ यात्रा में दिखाई देता है। क्या महिला क्या पुरुष, हर कोई शिव की भक्ति में रंगा दिखाई दे रहा है। लाख बारिश आए लेकिन इन शिव भक्तों को कोई फर्क नहीं पड़ता, इन्हें तो बस अपनी मंजिल तक चलते जाना है। धूप गर्मी या बरसात शिव भक्तों के मनोबल को डिगा नहीं सकती। हर मुश्किल हालातों को पार करते हुए ये कांवड़िए चलते जाते हैं। बारिश भी भोलों के कदम नहीं रोक पा रही है। जी हाँ, सावन का महीना चल रहा है और कांवड़िए अपने पूरे शबाब पर हैं। इतनी बारिश होने के बावजूद भी देखिए उनके कदम रुक नहीं रहे हैं, लगातार चल रहा है। इस वक्त हम इन्हें 58 पर हैं और देखिए तमाम लोग बारिश में भीगते हुए भी सारे कांवड़िए यहाँ से लगातार जा रहे हैं। उनकी टोली यहाँ से लगातार निकल रही है, क्योंकि सभी को जल्दी है 30 तारीख को इनको जल चढ़ाने हैं अपने आराध्य देव भोलेनाथ को। हरिद्वार से इन लोग जल निकले हैं अपने अपने गांव की ओर जाने के लिए। वहां अपने देवालयों में, अपने शिवालयों में ये लोग जल अर्पित करेंगे। और जिस प्रकार से देखिए पूरी जो है ये बारिश हो रही थी तेजी से, लेकिन फिर भी इनके कदम रुक नहीं रहे हैं। और इनसे भी हम बातचीत करेंगे कि इतनी बारिश होने के बावजूद भी इनके कदम क्यों नहीं रुक रहे हैं। आप बताओ, इतनी बारिश हो रही, बारिश में भी आप लोग चलते हुए जा रहे हो, क्या करें सर, बहुत अच्छा लग रहा है। कहाँ से आप लोग हो? दिल्ली से। कहाँ? दिल्ली से। दिल्ली जाओगे आप? हाँ जी। बारिश में भी चलते हुए जा रहे हो, जाहिर सी बात है कि बारिश भी हो रही फिर भी ये लोग चलते हुए जा रहे हैं। बारिश हो रही फिर भी चलते हुए जा रहे, कोई दिक्कत नहीं? बोले के नाम से बारिश में भी चलते हुए, जाहिर सी बात है। देखिए कई लोग बारिश में भी चलते हुए जा रहे हो? बोले नहीं, बोले कोई दिक्कत नहीं हो रही बारिश में भी? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। जाहिर सी बात है कि जिस प्रकार से बारिश हो रही है इसके बावजूद भी लोग चलते हुए जा रहे हैं। आप बताओ, इतनी बारिश हो रही है फिर भी आप लोग चलते हुए जा रहे हो, रुक नहीं रहे हो? नहीं, क्यों? जल्दी पहुंचना है, टाइम से पहुंचाना है, टाइम से पहुंचाना है। जाहिर सी बात है हर किसी की यही मंशा है कि टाइम से पहुंचाना है जल को, और इसीलिए ये लोग चलते हुए जा रहे हैं। इस कांवड़ यात्रा के दौरान सड़कों पर भी माहौल भक्तिमय दिखाई देता है। देखिए किस तरह से कांवड़ यात्रा में शामिल गाड़ियों को सजाया गया है। गाड़ी पर रखे डीजे में बजते भजनों के बीच झूमते हुए शिव भक्त जब सड़कों पर निकलते हैं तो माहौल शिवमय हो जाता है।
इस दौरान भक्ति से सराबोर झांकियां इस कांवड़ यात्रा को और भी मनमोहक बना देती हैं। शिव की भक्ति करने के भी अलग अलग तरीके होते हैं। शिव की भक्ति में महिलाएं भी कहीं पीछे नहीं रहती। इन महिलाओं को देखिए, ये तस्वीरें महिलाओं के शिव के प्रति समर्पण को दर्शा रही हैं। ये शिव भक्त कांवड़ियों के लिए हलवे का प्रसाद घर से बनाकर लाई हैं और सड़क पर आते जाते शिव भक्तों को बांटकर पुण्य की भागी बन रही हैं। कांवड़िया जिस प्रकार से यात्रा कर रहे हैं सावन में, उनकी सेवा के लिए कैसे यहाँ पे सारी महिलाएं सेवारत हैं, उनके लिए हलवा बना के ले आई हैं घर से और उनको यहाँ पे वितरित कर रही हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि उनके अंदर आखिर ये श्रद्धा भाव कहाँ से आया और कैसे और कब से वो लोग यहाँ पे इस तरीके से कांवड़ियों को प्रसाद वितरित कर रहे हैं, हलवा वितरित कर रहे हैं। आंटी जी, आप बताइए कि आप लोग कब से ये हलवा वगैरह वितरित कर रहे हैं कांवड़ियों को? आज ही, आज के लिए। आज से ही कर रहे हैं आप लोग? नहीं, बहुत पहले से कर रहे हैं हम तो। रोज करती हैं आप लोग? आज ही कराए तो। आज ही कराए, मतलब हर कांवड़ यात्रा में आप लोग एक दिन करती हैं? हाँ, दो दिन करते हैं। दो दिन करती हैं आप लोग? ये और भी कई सारी महिलाएं, उनसे हम लोग बात करेंगे। आप लोग अकेले महिलाएं मिलके इसको बनाती हैं और वितरित करती हैं, जैसे हम देख रहे हैं सड़क पर भी आप लोग का मौका। कांवड़ तो हम नहीं ला सकते, कम से भोलों की सेवा का करने का मौका तो मिलेगा। ये हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य बनता है उनके प्रति कि हम ऐसा काम करें। कांवड़ यात्रा नियम और संयम की सीख देती है। कांवड़ यात्रा के अपने कई नियम हैं जिनका पालन करना हर कांवड़िए के लिए जरूरी होता है। देखिए, कंधे पर उठाने से पहले कांवड़िए कांवड़ की पूजा अर्चना करते हैं। द्वार में इस वक्त हम मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि हर की पैड़े में किस प्रकार से कांवड़िए जब कांवड़ अपनी उठाते हैं तो उसके पहले से कैसे विशेष पूजा अर्चना करते हैं। यहाँ पे कई सारे कांवड़िए हैं जो हरिद्वार से जल लेकर अपने अपने गंतव्य स्थानों पर जाएंगे, अपने अपने अधीन ईश्वर को यहाँ पे जल चढ़ाएंगे अपने अपने देवालयों और शिवालयों में। लेकिन उससे पहले जिस प्रकार से कांवड़ उठाने के पहले ये यहाँ पे विशेष मंत्रोच्चार करते हैं, विशेष यहाँ पे पूजा करते हैं, उसके बाद ही ये कांवड़ पे हाथ लगाते हैं और कांवड़ उठाकर अपने गाँवों की ओर लेके जाते हैं। हम इनसे ही बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से विशेष पूजा अर्चना करते हैं, हम इनसे जानेंगे। आप बताइए कि ये कांवड़ उठाने से पहले किस तरीके से विशेष पूजा अर्चना आप लोग करते हैं? जी, सबसे पहले गंगा मैया की हम लोग आरती करते हैं, फिर उसके बाद में इतने प्रार्थना करते हैं गंगा मेरी महारानी हमें जो है हमारे घर तक पहुँचे और सब लोग कांवड़ती सही से पहुँचे और जिससे कि जल अभिषेक कर सके। वहाँ कहाँ के रहने वाले हैं आप? जी, नवागुंज बरेली। बरेली की? इतनी जल्दी बरेली पहुंच जाएंगे यहाँ से? दो तीन दिन में हम लोग 4 तारीख को पहुंचेंगे, 5 तारीख को जल अभिषेक होगा। यहाँ शिव की भक्ति चारों ओर है, बच्चा हो, युवा हो, महिला हो या बुजुर्ग, हर कोई शिव का भक्त है। शिव की इस भक्ति में देशभक्ति को भी जगह दी जाती है। गाड़ियों पर तिरंगा और कांवड़ पर तिरंगा लगाकर कांवड़िए अपनी मंजिल की ओर जाते दिखाई देते हैं। ये कांवड़ यात्रा के वो रंग है जो सावन के पूरे महीने में ऐसे ही दिखाई देंगे। हरिद्वार से अविनाश तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। देवनगरी हरिद्वार में गंगा घाट शिव भक्त कांवड़ियों से पटे पड़े हैं। हर की पौड़ी समेत हरिद्वार के हर घाट पर पैर क्या तिल रखने की जगह नहीं है। हालांकि उत्तराखंड की जल पुलिस भी मुस्तैद है, कांवड़ियों की सुरक्षा का खास ध्यान रखा जा रहा है। हर की पैड़ी पर उमड़ा भक्ति का सैलाब। गंगा जल भरने के लिए शिव भक्त कांवड़िए हैं तैयार। इसे धार्मिक आस्था का सबसे बड़ा मेला कहें तो शायद गलत नहीं होगा। यह हरिद्वार के प्रसिद्ध हर की पैड़ी गंगा घाट की तस्वीरें हैं। जहां आम तौर पर तो श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिलती है, लेकिन सावन के दिनों में यहां का नजारा बेहद खास हो जाता है। गंगा घाट पर उमड़े शिव भक्त कांवड़ियों की भीड़ देखिए, ऐसा लग रहा है कि मानो केसरिया रंग पूरे गंगा घाट पर बिखर गया हो। मंत्रोच्चार के साथ घंटे और घड़ियाल की मधुर आवाज माहौल को और भी भक्तिमय कर रही है।
आरती के बाद बारी आती है गंगा स्नान की, जिसके लिए घाटों पर शिव भक्त कांवड़ियों की भारी भीड़ देखी गई। देखिए जहां तक नजर जा रही है, गंगा घाट पर कांवड़ियों की भीड़ ही दिखाई दे रही है। कांवड़िए गंगा स्नान कर कांवड़ में जल भर रहे हैं, जिसके बाद ये अपने अपने शिवालय के लिए सफर की शुरुआत करेंगे। हर की पैड़ी पर कांवड़ियों की भीड़ के मद्देनजर व्यवस्था को संभालना भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। ऐसे में प्रशासन ने भी कमर कसी हुई है। यहाँ जल पुलिस चप्पे चप्पे पर नजर बनाए हुए है। देखिए मोटर बोट के जरिए जल पुलिस पूरे इलाके में अपनी मौजूदगी दर्ज करवा रही है। सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो इसे दो भागों में बांटा गया है। एक टीम हर की पैड़ी गंगा घाट पर सुरक्षा के लिए मौजूद है, तो दूसरी टीम यहाँ के बाजार में सुरक्षा व्यवस्था का जिम्मा संभाले हुए है। भीड़ ज्यादा है, ऐसे में गंगा के पानी में उतरे कांवड़ियों को किसी भी मुश्किल हालात से बचाने की जिम्मेदारी जल पुलिस की है। इतना ही नहीं, आसमान से भी पूरे इलाके में नजर रखी जा रही है। देखिए हवा में उड़ता ये हेलीकॉप्टर, जिसके जरिए यहाँ के चप्पे चप्पे पर निगरानी की जा रही है। साथ ही शिव भक्त कांवड़ियों के लिए आसमान से फूलों की बारिश हो रही है। देखिए कि कितना गतिमान है हरिद्वार में, लेकिन उससे भी ज्यादा गतिमान है यहाँ पे भक्तों का सैलाब। आप चारों तरफ देखेंगे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे कांवड़िए और गंगा भक्ति नजर आएंगे, जो कि श्रावण मास सावन में गंगा स्नान के लिए आखिरी दो दिन हरिद्वार में उमड़े हैं। किस तरीके से इनको नियंत्रित किया जा रहा है और कैसी सारी व्यवस्था है, इसी को लेकर हम बातचीत करेंगे एडिशनल एसपी अरुणा भारती जी, जो सुबह से ही ट्रैफिक कंट्रोल कर रहे हैं। इसके अलावा जो जल पुलिस है उसके साथ मिलकर यहाँ पे निरीक्षण कर रहे हैं। अरुणा जी, आप बताइए कि कितने अनुमान आप लोग जता रहे हैं कि आखिरी इन दो दिनों में भीड़ यहाँ पे आ रही है? देखिए इन दो दिनों में लगभग 50 लाख कांवड़िया प्रतिदिन आया है, बल्कि फिगर उससे ऊपर आई होगी। और हम लोग लगातार यहाँ पर सुबह से सुरक्षा व्यवस्था में लगे हैं। मैं खुद यहाँ पर सुपर जोन हर की पड़ी को देख रही हूँ, जिसमें कि हमारे पास घाट भी है, हमारे पास सारी बाजार की व्यवस्था भी है। इन घाटों में हम लोग क्योंकि पैदल चल चल के सुबह से थक चुके हैं, तो इस बार मोटरबोट द्वारा मेरे द्वारा निरीक्षण किया जा रहा है। किस तरीके से फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया, खासतौर से इतनी ज्यादा भीड़ आई है उसको नियंत्रित करने के लिए, चाहे वो ट्रैफिक की बात हो चाहे इन घाटों पे, जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि जितने भी घाट हरिद्वार के सभी घाटों पर भीड़ जो है निरंतर, उनको नियंत्रित करने के लिए किस तरीके से फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया? देखिए यहाँ पर जो हमारे एसएसपी महोदय हरिद्वार साहब हैं, उन्होंने पूरे हरिद्वार को 12 जोनों में बांट रखा है, 12 सुपर जोनों में बांट रखा है। उन सुपर जोन में एडिशनल एसपी स्तर के अधिकारी को लगाया गया है, जिसके तहत हर की पैड़ी भी एक सुपर जोन बनाई गई है। इस प्रकार 11 अन्य सुपर जोन पूरे हरिद्वार जनपद में बनाई गई है। हर सुपर जोन में जोन बनाई गई है, जिसमें डिप्टी एसपी लेवल के अधिकारी को तैनात किया गया है। हर जोन में फिर सेक्टर बनाए गए हैं, जिसमें सब इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी को तैनात किया गया है। हर सेक्टर में बहुत ज्यादा मात्रा में सिपाही दिए गए हैं। इसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेस दी गई हैं, विभिन्न प्रकार के और पुलिस बल दिए गए हैं, जल पुलिस दी गई है, बीडीएस टीमें दी गई हैं, एटीएस की टीमें दी गई हैं। इसके अलावा जो हमारे गंगा निरोधक दस्ते हैं हाईवे पे, वो भी लगाए गए हैं। इस प्रकार पूरे जनपद में निगरानी की जा रही है। मैं हर की पैड़ी की बात करूं तो हर की पैड़ी में जो घाट है उन पर जल पुलिस अलग से तैनात की गई है, जो कि लगातार ये देख रही है कि कहीं कोई कांवड़ियों के साथ कोई डूब कर अनहोनी घटना ना हो जाए और उनको इस सारी घटनाओं से हम लोग बचाने की पूर्णतया कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, आप जिस प्रकार से देख रहे हैं कि हरिद्वार में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है, हर की पौड़ी से लेकर तमाम सारे वो घाट है जहां पे सिर्फ और सिर्फ कांवड़िए और जो शिव भक्त हैं और जो गंगा के स्नान के लिए आए हैं उन्हीं की भीड़ नजर में आ रही है। ऐसे में पुलिस और प्रशासन पूरी तरीके से चाक चौबंद है और हरिद्वार पुलिस लगातार जल थल नभ तीनों जगह से इन तीनों चीजों की जो है पूरे प्रशासन की तरफ से जल थल नभ तीनों जगह से प्रशासन निगरानी रख रहा है कि किसी प्रकार की कोई अनहोनी न होने पाए। कैप्टन दीपक शर्मा के साथ अविनाश तिवारी, एपी गंगा, हर की पैड़ी, हरिद्वार। सावन के महीने में देश के अलग अलग हिस्सों से शिव भक्त कांवड़िए हरिद्वार पहुंचते हैं और यहां से गंगा जल भरकर अपने आराध्य देव भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करते हैं। यही वजह है कि हरिद्वार में कांवड़ यात्रा के मद्देनजर बेहद खास इंतजाम किए गए हैं। हरिद्वार से अविनाश तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। देवनगरी हरिद्वार कई मायनों में खास है। मान्यता है कि कनखल में भगवान शिव की ससुराल है, जहां राजा दक्ष ने जीवन दान मिलने के बाद भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग की स्थापना की थी।
इसी स्थान पर दक्ष महादेव मंदिर स्थापित है, जहां शिव भक्त कांवड़ियों के साथ दूर दराज से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। भगवान शिव का जलाभिषेक कर अपनी मनोकामना पूरी होने का वरदान प्राप्त कर रहे हैं। एबीपी गंगा संवाददाता अविनाश तिवारी की ये खास रिपोर्ट देखिए। इस वक्त हम पौराणिक रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण दक्ष महादेव मंदिर में हैं। हरिद्वार का ये मंदिर काफ़ी ऐतिहासिक है, क्योंकि कहा जाता है कि यहीं पर भगवान शिव सावन के महीने में विराजते हैं, श्रवण मास में, और उन्होंने राजा दक्ष को जब वरदान दिया था तो उसके बाद उन्होंने कहा था कि वो यहाँ पे विराजते रहेंगे, यानी कि सावन के महीने में यहाँ आएंगे। और इसकी मान्यता ये है कि यहीं पर शिव विराजते हैं, तभी लोग जो कांवड़िए हैं यहाँ से जल ले जाकर हरिद्वार से वो अपने अपने गंतव्य स्थान, अपने अपने देवालय, अपने अपने शिवालयों में जल अभिषेक करते हैं। कहा जाता है भगवान भोलेनाथ जब यहाँ पर राजा दक्ष ने यज्ञ किया था, उनको आमंत्रित नहीं किया था यज्ञ में, उसके बाद भगवान भोलेनाथ नाराज हो गए थे और इसी ये जो भगवान भोलेनाथ इसमें नहीं बुलाया गया था यज्ञ में, उसके बाद सती ने यहीं पर जो है यज्ञ में कूद कर अपनी जान दे दी थी, जिसके बाद भोलेनाथ काफ़ी क्रोधित हो गए थे। लेकिन बाद में फिर उनको तमाम देवताओं ने मनाया, जिसके बाद फिर उन्होंने ये आशीर्वाद दिया था कि वो यहाँ पे जो है हर वर्ष विराजेंगे और हर जो है प्रतिवर्ष यहाँ पे सावन के महीने में रहेंगे। मंदिर के पुजारी हैं, उनसे भी हम जानेंगे कि क्या कुछ महत्व है इस मंदिर का और कैसे इस मंदिर को इतने लोग जो है पौराणिक दृष्टिकोण से ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। पंडित जी, आप बताएं कि इस मंदिर का पौराणिक महत्व क्या है? इसका पौराणिक महत्व है राजा दक्ष और महादेव दोनों की यहाँ पूजा होती है एक साथ। अगर राजा दक्ष ने इसको स्थापित किया तो महादेव ने उसको वरदान दिया था कि मेरी यहाँ पूजा होगी, लेकिन मैं तुम्हारे नाम से पुकारा जाऊँगा, इसको लोग दक्षेश्वर महादेव कहेंगे। दक्षेश्वर को डिवाइड कीजिए तो दक्ष प्लस ईश्वर दोनों की पूजा यहाँ होती है। ये भी जाता कि सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ यहाँ पे विराजते हैं, ये उनके ससुराल है। तो राजा दक्ष ने जब माता सती के मरने के पश्चात राजा दक्ष को मार दिया, फिर यज्ञ पूरा होने के लिए राजा दक्ष को जिंदा किया, जिंदा होने के बाद उसने यज्ञ पूरा हुआ, तब उसने महादेव के अपमान की भरपाई के लिए इस शिवलिंग की स्थापना की। ये उनकी ससुराल है और यही विराजते हैं महादेव। ये उनकी ससुराल है, राजा दक्ष की नगरी थी, ब्रह्मा जी के पुत्र थे राजा दक्ष, और माता सती यानी भगवती, भगवती ने माता सती के रूप में उनके जन्म। यहाँ पे दर्शन पूजन से क्या लाभ मिलता है जो दर्शनार्थी आते, श्रद्धालु आते? देखिए, सबसे बड़ी तो माता सती की पूजा करने से क्या है, माता सती सदा सुहागिनी है, तो महादेव की मृत्यु नहीं दिखाई है, माता सती महादेव के रहते हुए मृत्यु को प्राप्त हुई, इसी से माता सती सदा सुहागिनी है। उनकी पूजा करने से, उनके ऊपर चुन्नी वगैरह चढ़ाने से और सदा सुहागिन का उसको आशीर्वाद मिलता है। दूसरे महादेव की यहाँ पूजा करने से उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। देख सकते हैं सुबह से यहाँ पे श्रद्धालुओं का, भक्तों का तांता लगा हुआ है, तमाम सारे भक्त और श्रद्धालु सुबह से ही यहाँ पे आ रहे हैं और भगवान शिव को जल अभिषेक कर रहे हैं। जिस प्रकार से मान्यता है कि भगवान भोलेनाथ सावन में ही विराजते हैं, उसके बाद जो है तमाम सारे जो भक्तगण हैं यहाँ पे आते हैं और भगवान शिव से अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए उनसे मन्नत मांगते हैं और उनको जल अभिषेक करते हैं। तमाम सारे श्रद्धालु भी आए हुए हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। सर, आप बताइए, सावन का सोमवार चल रहा है, किस तरीके से आप लोग सावन पूजन अर्चन करते हैं भगवान भोलेनाथ का? जल चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, माथा टेक लेते हैं, भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। हमने आज से 15 साल पहले जब दर्शन किए थे तो मेरा भाग्य संवार दिया था भगवान ने। तो जाहिर सी बात है कि उन्होंने राजा दक्ष से वादा किया था कि कनखल में वो सावन के महीने में एक महीना पूरा रहेंगे। ये उनकी ससुराल भी और तमाम सारे लोग यहाँ पे सुबह से ही यहाँ पे आ रहे हैं, जल अभिषेक कर रहे हैं शिवलिंग को। और जिस प्रकार से आज सावन का सोमवार है, सुबह से ही भक्तों का यहाँ पे तांता लगा हुआ है, तमाम सारे भक्त यहाँ पे अपनी मन की मुराद लेके भगवान भोलेनाथ को जल अभिषेक कर रहे हैं और उनसे अपनी मन की मुरादें मांग रहे हैं। कैमरा पर्सन दीपक शर्मा के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, कनखल, हरिद्वार। हरिद्वार से जल लेकर शिव भक्त कांवड़िए अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ के हरिद्वार दिल्ली रोड से कांवड़ यात्रा का जायजा लिया हमारे सहयोगी अविनाश तिवारी ने। कांवड़ यात्रा अपने पूरे शबाब में है। हरिद्वार में आप देख सकते हैं कि जनसैलाब उमड़ा पड़ा है। कल जिस प्रकार से शिवरात्रि है और सभी को जल अर्पित करना है, जल अभिषेक करना है अपने अपने देवालयों, अपने अपने शिवालयों में, आप देख सकते हैं सारे कांवड़िए इस वक्त जल भर के सब जा रहे हैं अपने अपने गंतव्य की ओर। इस वक्त मैं हरिद्वार दिल्ली हाईवे पर खड़ा हुआ हूं और आप देखिए कि हरिद्वार से निकलकर सभी लोग जल ले लेकर अपने अपने गंतव्य स्थान की ओर जा रहे हैं। डाक कांवड़ भी चल रही है जो कि दौड़ते हुए जाती है, भागते हुए जाती है, गाड़ियों से जाती है, इसके अलावा फोर व्हीलर से जाती है, और भी जो सारे कांवड़िए हैं वो भी लगातार जल भर के
जा रहे हैं निरंतर और सभी को कल जाके जल अभिषेक कर रहे हैं और सभी लोग आज हरिद्वार से जल उठाकर अपने अपने देवालय अपने अपने शिवालयों की ओर जा रहे हैं। जिस प्रकार हरिद्वार प्रशासन ने अनुमान जताया कि आज लगभग 2.5 से 3 करोड़ लोग हरिद्वार में पहुंचे, जहां पे यहां पे स्नान किया और यहां से जल लेकर अपने अपने गंतव्य स्थान की ओर जा रहे हैं। कैमरामैन दीपक शर्मा के साथ अविनाश तिवारी, एपी गंगा, हरिद्वार। और कांवड़ यात्रा में इस बार देशभक्ति का रंग भी देखने को मिल रहा है। हरिद्वार में सड़क पर चलने अगर कांवड़ियों को आप देखें तो उनके हाथ में लहराता तिरंगा आस्था के साथ साथ देशभक्ति का संदेश भी दे रहा है। कांवड़ यात्रा चल रही है और आज सावन का दूसरा सोमवार है, जिस प्रकार से कल जल अभिषेक होना है शिवरात्रि के दिन, लेकिन उसके पहले आप देखिए यहाँ पे नजारा कि किस प्रकार से कांवड़ यात्री यहाँ पे तिरंगा लेकर चल रहा है। जहाँ तक नजर आप दौड़ाएंगे वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको तिरंगा नजर आएगा। ये पूरी जो भीड़ आपको दिख रही पीछे तक, ये सिर्फ कांवड़ियों की भीड़ है जो हरिद्वार से जल लेकर अपने अपने गंतव्य की ओर निकल रही है, अपने अपने गाँव अपने जाएगी, जहाँ पे अपने शिवालय अपने देवालयों में ले जाकर के गंगा जल से भगवान भोलेनाथ का जल अभिषेक करेगी। लेकिन एक राष्ट्रभक्ति की भावना भी इस बार पूरे कांवड़ यात्रा में देखने को मिल रही है। आज जिस प्रकार से सावन का दूसरा सोमवार है, जहां तक भी नजर जाएगी आपके सिर्फ और सिर्फ कांवड़िए नजर आएंगे और कांवड़ियों के साथ लहराता हुआ तिरंगा नजर आएगा। जिस प्रकार से इस पूरे कांवड़ यात्रा में राष्ट्रभक्ति की भावना देखी गई है वो भी अपने आप में काबिले तारीफ है। तमाम सारे कांवड़ियों का यही कहना था कि जिस हिसाब से वो इस बार गंगा जल लेकर निकले हैं, राष्ट्र के लिए भी निकले हैं, देश के लिए भी निकले हैं और आप देख सकते हैं साफ कि कांवड़ियों के साथ साथ में तिरंगा लहराता हुआ चल रहा है और सभी कांवड़िए इसे शान से लेकर चल रहे हैं। कैमरा दीपक शर्मा के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, हरिद्वार। पौराणिक मान्यताओं के चलते भी संगम नगरी प्रयागराज के भी सावन के खास महत्व हैं। यहाँ शिवालयों में भी शिव भक्तों की भीड़ उमड़ी हुई है। वहीं शिव भक्त कांवड़िए भी प्रयागराज के गंगा घाट से गंगा जल भरकर शिवालयों की ओर आगे बढ़ रहे हैं। एबीपी गंगा संवाददाता मोहम्मद मोइन की ये खास रिपोर्ट देखिए। आज सावन का दूसरा सोमवार है। सावन के दूसरे सोमवार पर आज कुंभ नगरी प्रयागराज के शिव मंदिरों और शिवालयों में सुबह से ही शिव भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी हुई है। लोग भोर से ही जो है वो शिव मंदिरों में पहुंचे हुए हैं, वहां पूजा अर्चना कर रहे हैं। चूंकि आज सोमवार है, सोमवार के साथ साथ प्रदोष भी है, इसलिए आज के दिन का महत्व काफ़ी बढ़ गया है। लोग सुबह से ही शिव मंदिरों में उमड़े हुए हैं और लगातार पूजा अर्चना कर रहे हैं, भोले बाबा का आशीर्वाद ले रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं सिविल लाइन्स इलाके के शिव मंदिर में, यहाँ पर भगवान भोलेनाथ एकादश रूप में विराजमान है, रुद्र रूप में विराजमान है। 11 शिवलिंग यहाँ पर हैं और भगवान भोलेनाथ इसी स्वरूप में अपने भक्तों को दर्शन देते हैं, उनका कल्याण करते हैं, उनकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लंबी लाइन लगी हुई है, लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं, कोई बेलपत्र चढ़ा रहा है, कोई जलाभिषेक कर रहा है, कोई दुग्धाभिषेक कर रहा है। और इसके साथ साथ बताएं यहाँ भगवान शिव और माता पार्वती की एक बड़ी सी मूर्ति भी लगी हुई है, लोग उसके भी दर्शन कर रहे हैं, उसकी भी पूजा अर्चना कर रहे हैं। साथ ही साथ 11 शिवलिंग हैं, इन 11 शिवलिंगों पर लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज।